समुद्र के बीच में आप जब आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो कल्चर के साथ, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये अपने लिए पूरी रात भर किराए पे ले लिया है। ऐसा लग रहा है मैं से एक दिन का किंग हूँ, राजा हूँ। अपने हनीमून पे ना मैं यहीं आऊंगा बिल्कुल दोबारा। अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा ना डर सा लग रहा है, क्योंकि हम जिधर भी नजर उड़ा रहे हैं ना, ये देखिए जिधर भी नजर दिखाएंगे सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है, पास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर दूर तक। ये देखिए कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई जर्नी। तो मैं हूँ इस समय अलप्पे में दोस्तों, मैं हूँ केरला में रुका हुआ और मुझे जाना था त्रिवेंद्रम। तो क्या हुआ कि रास्ते में बरसात पड़ने लगी, फिर मुझे अलप्पे के बारे में पता चला। ये अलप्पे शहर जो है ना, एक तरह से केरला का बैनिश शहर है, ये भारत का बैनिश शहर कह लीजिए। इसके जो रास्ते हैं ना, आप खुद देख सकते हो कितने शानदार रास्ते हैं, टोटली ग्रीनरी है। तो यहाँ मैं जो 8 नाइट स्टे करने वाला हूँ, एक बोट में करने वाला हूँ। जस्ट मेरे पीछे आप ये बोट देख सकते हो। और एक्चुअली इसके लिए मैंने जो पेड किया वो मैं बताऊँगा, बट मेरे ही जो चेक इन कर रहा हूँ वो 5:30, यानी इसमें शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो एक्चुअल में जो समुद्र का पानी होता है ना, जो बैक हो जाता है, उसे बैक वाटर बोलते हैं। तो ये यहाँ का बैक वाटर है और ये एग्जैक्टली जगह है अलप्पे, जहाँ से मैं आया हूँ। ये देखिए इसके रास्ते मुझे बहुत अच्छे लगे और यहाँ से जो है मैं जाने वाला हूँ। फ़र्क क्या है कि श्रीनगर में मैंने जो है शिकारा किया था, बट ये शिकारा बहुत अलग है, क्योंकि ये चलता हुआ शिकारा है, वो एक जगह खड़ा होता है बस ये चलता है। तो यहाँ से हमारी एंट्री है, काफ़ी अमेजिंग एंट्री है, अच्छा लग रहा है। ये इनके किचन है और ये हमारा शायद जो है शायद डिनर रूम होगा, और उसी के बाद जो है रूम भी होता है। तो रूम भी काफ़ी अच्छा है, अंधेरा है, लाइट में जला लेता हूँ, है ना। रूम काफ़ी अच्छा है ना, ये देखिए। देखो मैं जब वीडियो शूट करता हूँ ना आईफोन से करता हूँ, तो रूम भी काफ़ी अच्छा है। और इसी में जो है यहाँ खिड़की लगी हुई है, तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ से जो है व्यू आता है आउटसाइड, जस्ट अमेजिंग, क्या व्यू है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर आराम से हम बैठ सकते हैं और घूम सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। और यहाँ से क्या है कि बहुत सारी यहाँ पर बोट आप और देख सकते हैं, ये बोट है इधर, ये देखिए। और जब बोट चलती होती है ना तो भी अच्छी लगती है काफ़ी। एंट्री करते करते 15-20 मिनट हो चुके हैं, जैसे मैंने कहा था कि लगभग 6 बजे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे भाई हैं जो लेके चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है व्यू होने वाला है। और यहाँ का आप व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है, जस्ट बहुत ही शानदार। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है भारत के बैनिश शहर में आ चुके हो, और जो ये नाव है चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये अपने लिए पूरी रात भर किराए पे ले लिया है। आई एम सो हैप्पी, ऐसा लग रहा है मैं से एक दिन का किंग हूँ, राजा हूँ। अपने हनीमून पे ना मैं यहीं आऊँगा बिल्कुल दोबारा, अपने हनीमून पे ना मैं यहीं आऊँगा बिल्कुल दोबारा। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये पहला नाव है, पहला शिकारा है जो फ्लोटिंग है। क्या होता है कि श्रीनगर वाला जो है वो फ्लोटिंग नहीं है, एक जगह रहता है, और उस वो प्राइवेट फील भी नहीं होता है। ये मैं अकेले के लिए मैंने किया है, रेंट किया है, और यहाँ मैं अकेला राजा हूँ, तो अच्छा फील हो रहा है। और ये चल रहा है, ये से हम 10 से लेकर 15 किलोमीटर जो है हम सफ़र करेंगे, रास्ते में इंजॉय करेंगे, जगह जगह पर फिर मील खाएंगे। हमारा रूम है, मैंने आपको दिखाया ही है, तो मज़ा आने वाला है दोस्तों। शानदार हवा चल रही है और लगभग 6:15 टाइम हुआ, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आसपास की जो बोटिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ी डिफरेंट है श्रीनगर के मुकाबले। और मैं जितना भी इसको घूम रहा हूँ तो मुझे बार बार श्रीनगर की याद आ रही है। और किसी ने सही कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्योंकि यहाँ से कन्याकुमारी जो मात्र वो 300 किलोमीटर रह जाती है। और एक चीज़ आपने कॉमन की होगी कि कैसे कश्मीर और कैसे कन्याकुमारी और कैसे केरला, तो ये काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हमें बहुत दूर जाना है और एंजॉय करते हैं साथ में। तो ये जो आप देख रहे हैं ना हाउस बोट, इसमें क्या है कि इसमें 3 बेड होते हैं, 4 बेड होते हैं, यानी पर्सनल नहीं होता, बट जो तुम्हारे भाई का जो है वो पर्सनल है, पर्सनल हमने रेंट पर लिया है। तो यहाँ देखिए, अगर आपका बजट कम है तो यहाँ आप जो है शेयरिंग में कर सकते हो। तो इसके आप चलाने का तरीका देखिए, भाई चलाते हैं घूम के, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो जस्ट सामने का व्यू है ना, बहुत ही शानदार लग रहा है। और इधर जो है कुछ स्टूडेंट हैं, शायद ही हॉस्टल है, जो लोग वो अपने स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं शाम का। और यहाँ पर देखिए ये जो पेड़ है नारियल के, बहुत जस्ट अमेजिंग। और सामने तो ऐसा लग रहा है जिधर नज़र डालो समुद्र ही समुद्र है। ये देखिए, तो हम काफ़ी जो है अंदर आ चुके हैं, और ये देखिए इसके बीचों बीच बना हुआ है, और यहाँ पर ये
बोट हाउस है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो है ना बीच से अब हम समुद्र में आ गए, यानी पहले हम बैक वाटर में थे, ये समुद्र का पानी जो होता है वो आ जाता है बैक होकर के, लेकिन अब हम जो है समुद्र के साइड में चल रहे हैं। और ये देखिए जिधर भी आप नज़र दबाओगे आपको समुद्र समुद्र दिखाई देगा। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जस्ट फील ऐसा हो रहा है जैसे एक शिप जहाज़ पर चल जाते हैं ना, और ऐसा फील होता है क्योंकि जस्ट सामने देखिए आप हमारी किचन दिखाई दे रही है, और अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे आ चुके हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ना ये बहुत लाजवाब है। और अगर सही बताऊँ ना मेरी अपने मैं पर्सनल से बताऊँ तो जब मैं कश्मीर गया था तो मुझे लगता था कि यार जब शादी होगा ना तो हनीमून पे यहाँ आना है। बट अगर मुझे दो जगह डिसाइड करनी पड़े इंडिया में जितना मैं अभी घुमाऊँ तो फर्स्ट कश्मीर एंड सेकंड केरला। अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा ना डर सा लग रहा है क्योंकि हम जिधर भी नज़र उड़ा रहे हैं ना, ये देखिए जिधर भी नज़र दिखाएंगे सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है, पास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर दूर तक ये देखिए उधर वो साइड में कुछ दिखाई दिया बट सिर्फ पानी पानी, ये देखिए। और फील कीजिए साइलेंस फील कीजिए, ओहो क्या होता है ना जिधर हम पीछे जा रहे थे ना उधर ज़्यादा आगे जाना अलाउ नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट पे भाई ले गए क्योंकि उधर समुद्र हो जाता है तो ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो हमने बैक कर लिया है और बैक के इधर उधर लेके जा रहे हैं जिधर हमारा जो है जहाँ से हम स्टार्ट किया था हमने चलना। तो दोस्तों लगभग जो है 7:30 बज चुके हैं रात के, और मुझे अभी वीडियो जो है अपनी एडिट करनी है आज के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में हम डिनर करेंगे। देखो अभी 7:30 बजे भी कैसा मौसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिन निकल रहा है। तो ये होता है समुद्र इलाके की ज़िंदगी। तो खैर मैं मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों मेरा एडिटिंग का काम ख़त्म हो गया और लगभग जो है 8:30 बज चुके हैं, देखो लाइट ओपन हो गई है और धीरे धीरे अंधेरा हो गया, और जहाँ से चले थे वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर हम जो है आगे आ चुके हैं। दोस्तों 9 बज गए हैं और देखिए सुनसान सा हो गया है, सिर्फ एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, पानी, और हमारा डिनर का टाइम हो गया है। एक अच्छी बात क्या है, डिनर जो है ना वो यहीं बनता है। तो ये तो मेरा रूम है, मैंने दिखाई दिया आपको, बट डिनर टेबल वाओ कितनी सारी चीज़ें हैं, आप देखिए ये केरला के राइस है, ये दाल है, और चिकन, ये चिकन है, ये हाँ मिक्स वेज है, टमाटर है, और ये तो एक सैलेड है, और इसमें रोटी, और ये खाना जो बनाया है ना इन भैया ने बनाया। भैया क्या नाम है आपका? नमस्ते। क्या नाम है आपका? बॉबी। बॉबी बॉबी भाई ने बनाया, और इनके किचन दिखाता हूँ मैं आपको, जो सारा खाना रेडी किया है ना यहाँ रेडी किया है, देखो सब खाना मिलेगा आपको यहाँ पर, सब खाना यहाँ रेडी करते हैं। तो चलो खाना खाते हैं भैया। हाँ बॉबी भाई खाना खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं खाना ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ट्रैवलिंग में ना मैं चिकन जो है ना नॉन वेज बहुत कम खाता हूँ, भाई ने बना दिया तो देख लेंगे, मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। तो जब मैं आया था तो इन्होंने पूछा था कि आप नॉन वेज लेंगे, तो मैंने भाई सब चलता है। तो केरला के जो राइस हैं वो मोटे होते हैं, हालांकि राइस को भी पूछा था इन्होंने कि राइस आपको केरला चाहिए कैसे चाहिए? तो ये यहाँ का कल्चर है, और मैं एक्चुअली आपको टेस्ट बताता हूँ खाने का टेस्ट किस तरह का है। भाई मुझे ये जिस तरह की इनकी प्रेजेंटेशन है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलो मैं पहले ये थोड़ा सा बताता हूँ आपको खा के। और देखो ये सब कुछ है ना सिर्फ मेरे लिए है, अकेले इंसान के लिए हुआ है। चपाती बहुत पतली है, तो खा के बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउथ में मुझे जो है नॉर्थ वाला टेस्ट मिल जाएगा। सब्जी बहुत ही अच्छी है, ये तो नॉर्मली है, थोड़ा दाल का और देखता हूँ टेस्ट में। अच्छा है, अच्छा, मतलब 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा आपकी हॉस्पिटैलिटी को और खाने के टेस्ट को, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैंने रियल में साउथ में ये उम्मीद नहीं की थी कि क्योंकि हम जाना मसाले बहुत तेज़ खाते हैं, बहुत ही शानदार। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये जो डिनर है ये हमारे पैकेज में इंक्लूड है, पैकेज कितने का है मैं बताऊँगा बाद में आपको, और अभी सुबह को हमारा ब्रेकफास्ट भी होगा। तो डिनर दोस्तों डिनर करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, बट यह है कि चिकन नहीं खाया मैंने, और उसके रीज़न क्या है कि ट्रैवलिंग में मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ। बाकी खाना बहुत ही बढ़िया था, स्पेशली अगर सलाद की बात करूँ तो इनकी प्रिपरेशन देखिए सलाद कितना अच्छा बनाकर रखा गया है, साथ में पानी की बोतल भी नई दी है। और दोस्तों ऊपर की बात करूँ तो छत पर पंखा लगा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी 10 में से 10 नंबर दोस्तों, मज़ा आ गया। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, रूम दिखाना भूल गया सही तरीके से। इसके अंदर आप देखोगे ना
तो यहाँ पर जो है स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं, तो अगर आप जैसे म्यूजिक बजाना चाहो या फैमिली के साथ आओ तो वो अच्छा है। ऊपर का मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ ही साथ इसमें जो अलमीरा है कपड़ा रखने के लिए, काफ़ी बड़ी अलमीरा है इधर रखने के लिए। साथ ही साथ इसमें अगर एसी की बात की है तो ये आप एसी देख रहे हैं, मैंने ऑन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बाथरूम, बाथरूम देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों अभी तो मुझे सोना है, मिलते हैं सुबह को आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बहुत ही शानदार नींद आई रात में, लगभग जो है 11:30, 11:30 बज गए थे मुझे सोने के लिए, क्योंकि वीडियो एडिट कर रहा था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वाईफाई की। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, लगभग जो है 7:30 बज चुके हैं। मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए बाहर का व्यू कितना शानदार है, ये देखो। अभी मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको। क्या शानदार व्यू है, कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, मस्त एकदम। ऐसा लग रहा है कि जैसे और कई सारे दिन का यहाँ स्टे ले ले। बहुत ही प्यारा, एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है। और अभी थोड़ी देर में जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे। भैया आए थे, वो लेके चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, तो मैंने कहा चाय चाहिए मुझे। तो ये भी अभी स्टार्ट हो चुका है, ये भी थोड़ी देर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यू बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का। तो देखो ये हमारी चाय आ गई, चाय पीते हैं। तो भैया कह रहे थे एक राउंड लाएंगे, उसके बाद जो है हमारा चेकआउट है। और 8:30 पर हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, और 8:30 बजे या 9 बजे हमारा जो है चेकआउट हो जाएगा। तो मतलब चलते हैं। तो अभी हमारी जो बोट है ना वो उस साइड जा रही है जहाँ रात जा रहे थे ना समुद्र की तरफ। तो मैंने भैया से पूछा कि कितना गहरा है, तो बोला 33 फीट, मतलब काफ़ी डेंजर है भाई। तो इस साइड का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ना सन राइज होता है ना, तो बहुत ही शानदार व्यू होता है। देखो कितना शानदार व्यू है, आप जिधर भी नज़र दौड़ाओगे ना आपको समुद्र समुद्र दिखाई देगा। तो अभी तो हम बैक वाटर में थे, बट अब ये जो है ना ये एक्चुअल में रियल समुद्र है। तो यहाँ का जो व्यू होता है ना वो जस्ट बहुत ही शानदार। ये देखो कहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं। तो अभी जो हम चल रहे हैं ना वो समुद्र में चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो जो वाटर की वेव्स है ना वो चेंज हो गई, क्योंकि ये समुद्र स्टार्ट हो गया। ये देखो हमारा ब्रेकफास्ट भी लग गया है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि देखो ये तो इडली है, और ये जो होता है एक तरह से आप इसे डोसा कह सकते हो, परोठा होता है, और ये चटनी है, और ये सांभर है। तो अब इसको हम खाते हैं और टेस्ट लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और स्पेशली समुद्र के बीच में आप जब आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और कल्चर के साथ, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सुपर, क्योंकि मसाला डोसा तो मेरा ऑलरेडी वैसे भी फेवरेट है। मसाला डोसा मैं जिंदगी भर खिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया होता है। सांभर का टेस्ट बताता हूँ आपको मैं। साउथ इंडियन खाना तो बहुत बढ़िया होता है। ये ऑमलेट है, और ऑमलेट तो मैं ऐसे ही खा लूँगा। बहुत ही शानदार, एकदम ऐसा शाही फील हो रहा है कि राजा हैं। और मेरे पास शेयरिंग वाला भी ऑप्शन था, मतलब यार मैं शेयरिंग नहीं होना, मैं बैचलर हूँ, मैं सिंगल ही रूम लूँगा पूरा। नहीं, मैंने पूरा का पूरा ये बुक कर लिया था। और ये नाश्ता ना बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार।
और देखो क्वांटिटी भी कितनी है, एक आदमी के लिए बहुत है, इतना खाए भी नहीं आएगा। सुपर, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने का भी अच्छा था रात, और नाश्ते का टेस्ट भी सुपर बहुत बढ़िया। इनके नाश्ते की क्वांटिटी इतनी है कि चार लोग नाश्ता कर सकते हैं। सोचिए एक आदमी के लिए जो है इडली, कम से कम 10 से 10-12 इडली है, और इसी तरह पराठे हैं, 10-12 पराठे हैं। सांभर देखिए कितना सारा है, चटनी देखिए, ऑमलेट तो इतना सारा खाए भी नहीं जा रहा। तो मैं तो अकेला हूँ, बस क्वांटिटी है, चार लोगों के लिए काफ़ी है। ये देख सकते हो, उधर देखो दोस्तों क्या व्यू है। देखो ये लड़कियाँ वर्कआउट कर रही हैं, मतलब हॉस्टल है ना तो वर्कआउट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना जो एक नाव होती है ना वो मिलती है, तो वो यूज कर सकते हो। और लोग यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी का बेनिफिट लेते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा ये फाइनल राउंड है, तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और हम उसी लोकेशन पर आ गए जहाँ से हमने जो है चेक इन किया था, यानी अब चेकआउट का टाइम हो गया है। टाइम की बात करूँ 8:30 बज गए हैं। मैं दिखाता हूँ वो लोकेशन आपको। तो दोस्तों आप बात करते हैं प्राइस की और टाइमिंग की, तो मैंने जो चेक इन किया था यहाँ 5:30 बजे किया था। हालांकि चेकिंग का जो टाइम होता है सुबह 11:30 बजे होता है, बट मैं लेट आया था 5:30 बजे। चेकआउट का जो टाइम होता है 9 बजे होता है, बट मैं भी लगभग 9 बज चुके हैं, चेकआउट कर रहा हूँ। प्राइस की बात करूँ तो लोकल प्राइस यहाँ 5,000 रुपये है, 5,000 से स्टार्ट होता है, 5,000, 6,000, 7,000, बाकी बढ़ता जाता है। बट मैंने जो किया है ये 4,000 रुपये में किया है। क्या 4,000 बर्थ हैं? तो एग्जैक्टली बर्थ है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकफास्ट और जो डिनर है ना बहुत सुपर होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और आपको एग्जैक्टली असली समुद्र में ये घुमा कर लेकर आते हैं, 15 से लेकर 16 किलोमीटर की राइड होती है, तो काफ़ी अच्छा होता है। और बात करूँ क्या अकेले के तो आपको ज़्यादा लगेगा, बट आप ग्रुप के साथ आओगे, एटलीस्ट अगर 2-3 लोग तो आओगे, आप अकेले तो ट्रैवलिंग नहीं करोगे मेरे तरीके से। अगर 2-3 लोग आ रहे हो तो उसमें आपको 4,000 रुपये ज़्यादा नहीं लगेंगे, कई बार ये रेट और भी डाउन हो जाते हैं। हाँ, अगर आप 4 लोगों से ज़्यादा आ रहे हो, या पूरा एक आ रहा है ना पूरा एक कॉलेज की तरफ से आ रहे हो, या 10-12 लोग आ रहे हो, तो आप फिर ये सिंगल मत करना, फिर जो शेयरिंग वाले होते हैं जिसके अंदर 4 बेडरूम होते हैं वो वाला करना, उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन अगर आप 2-3 लोग आ रहे हो, एटलीस्ट 3 लोग आ रहे हो, 2 लोग आ रहे हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनली दोस्तों हमने अलविदा कह दिया है अपने हाउस बोट को, जहाँ पर हमने स्टे किया था। और ये देखिए क्या शानदार व्यू है, दे आर इन्जॉइंग ना। आप ग्रुप में आ रहे हैं तो किस तरह इन्जॉय करोगे आप, ये देखिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, रात हमारी बहुत ही शानदार गुजरी। अभी जो हम जा रहे हैं बट त्रिवेंडम जा रहे हैं, यानी तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं, काफ़ी नाम सुना है। और देखो आप ना इस तरह ब्लॉग को रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए केरला की जो सीरीज़ है ना उसको आप बारी बारी देखें, एक एक करके देखें, तो आप पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। और त्रिवेंडम के बाद जो है हम कन्याकुमारी जाने वाले हैं। अगर मैं हाउस बोटिंग की अगर रेटिंग दूं तो 10 में से 9 नंबर दूंगा, 1 नंबर वाईफाई का काटूंगा, और बाकी बहुत ही मज़ा आया। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूं, और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अगर आप मुझे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है अरबाज ब्लॉग का, यूट्यूब पर जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है ना उसको ज़रूर ऑन कर लें। उससे क्या होता है कि कोई भी वीडियो डालूंगा ना तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज है अरबाज ब्लॉग का, Facebook को जाएं, सर्च करें अरबाज ब्लॉग, और हमारे Facebook पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ Instagram पर रिप्लाई आप मुझे जो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। Instagram पर फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई करता हूं। अगर कोई सवाल है या मेरे साथ कोलैबोरेशन है या पेड प्रमोशन वगैरह जो करना है तो वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।